बहुत अच्छे बुक किए हैं ऋषि सर ने। बने रहे व्लॉग के साथ, मजा आएगा। बैठ जो जय श्री राम दोस्तों, दिस इज ऋषि पाटिल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो प्लान बन गया है फिर एक बार गोवा जाने का। काफ़ी दिनों से चल रहा था कि गोवा चलते, तो एक दिन ऐसे ही बैठे थे तो दोस्तों ने बना लिया है प्लान। चलते हैं अभी, देखते हैं। चल सब जमा हो गए, जाम बैठ गया है, चलते हैं अभी। आधे लोग ऊपर है, आधे लोग नीचे है। लास्ट टाइम भी हम गोवा गए थे, ये हमारा थर्ड टाइम है। आधे लोग इस टाइम थोड़ा आगे की सोच रहे हैं, प्लेन से जा रहे हैं, वो बहुत कंटाला थे कार में। विकी पाटिल ऑलरेडी है का बाबा? ऑलरेडी 07 शू तला सु बाहर डो क्यों ना का आपले रोम पाटिल नंबर अप्पा हो गया नारे से गुनो को खाने वाह बोल ले ले दे दे ना दुकान पहले गाड़ी अपने कार्या की सुरुआत के लिए मित्र आम 8 दिवस गोवा फिर जता है तो खूब सारे शुभेच्छा है। थैंक यू खास कर डायमंड मित्र मंडल अपना प्रवास सुखाच हो। बस ये देखो, ये बस नारियल खाने के लिए आया है गोवा में। अभी गोवा जाएंगे हम लोग, फुल मजा करेंगे। ये भी नारियल खाने के लिए आया है और कुछ नहीं। चलना एक्टिंग करते। अभी हम डाल रहे हैं CNG। किसी गांव वाले को जाके 1000 का डीजल डालो, फिर 500 रुपया खिलाओ, इससे अच्छा गरीब का पेट भर दे। अरे बात कर रहा हूँ, और लगता है पहुँचेंगे नहीं प्लेन में। बहुत ट्रैफिक लग गया है। ट्रैफिक कौन बोलते पता है? ओनली इंग्लिश एस्थेटिक इसके वजह से साला लेट करते। ये ब्लॉगर लोग ना हमेशा लेट करते हैं। बोला चल जल्दी 5 बजे मोबाइल पे निकला भाई। आ गए सब भाई लोग रेडी। वीडियो जरा स्लो बोल यार। चलो अभी चलते हैं, थोड़ी देर बाद फ्लाइट है अपनी। कितनी की फ्लाइट बर्बाद कंपनी जगी। चला बस की आदत कभी जाती नहीं। बाबू भाई लोग, अभी हम गोवा पहुंच गए। यहाँ से हमारी रूम की डेस्टिनेशन समथिंग 45 मिनट है, जो कि हमें लगा था थोड़ी नज़दीक रहेगी, लेकिन काफ़ी दूर है। चलो फिर भी देखते हैं, आज का दिन ऐसे रूम में जाएगा। लेकिन कल बहुत मजा आने वाला है, तुम आपके साथ बने रहे, जुड़े रहे। वन साइड वाह, आप भी जा रहे हैं रूम पे। अभी हम लोग जा रहे हैं गोवा। गोवा ने अभी रूम पे जा रहे हैं, गोवा तो पहुंच गए कल। अभी टैक्सी ढूंढनी पड़ेगी। यप एक में रशियन लेके जाने घरे ना ले भरी तेरी वेर ना गाड़ी। ब्लॉग चालू कर ब्लॉग मध्ये येईल कोण? तो भाइयों, ये हमारा कॉटेज आज का, देख सकते हो काफ़ी अच्छी वाइब है इधर। ये पूरा सीन है इधर से, ये भी स्विमिंग पूल, ये सब कॉटेज। इसकी कॉस्टिंग समथिंग हमको पड़ी है 50,000 3 दिन के लिए। फिर बढ़िया है क्या सब? सब बढ़िया है भाई।
देख सकते हो। Thank you. काफी बढ़िया, काफी बढ़िया वाइब मिल रही इधर तो, सब खुश है देख के। अब भोसड़ी से बीज कर। अरे सॉरी बाबू सॉरी, आ रहा हूँ मैं ब्रो। ऑलराइट चलो अभी मिलते हैं कल सीधा, पूरी वाइब बनाने के बाद। जय श्री राम मित्रों, सुबह सकाल, और यहाँ पे अभी मॉर्निंग हो गई तो आप यहाँ से रिवर भी है सामने एकदम क्लोज में। नहीं पूरे 5 क्वार्टर का समथिंग 50,000 तीन दिन का हुआ है, लेकिन वर्थ है, फील आ रहा है कि गोवा में है। क्या बोल रहे हैं ब्रो? 1500 रुपये किसका? 1500 रुपये दिन का पड़ा है। हाँ वो भी ठीक है, शायद से बचा है, वो 20 साल भाई थे उसके हिसाब से थोड़ा डिस्काउंट कर लिया। छोटा सा रूम टूर देते हैं अपन सब केयर टेकर। ये हमारे कॉटेज के ऑनर। अरे हेलो भाई। ये बाथरूम, ये बाथरूम में आदमी, ये बाथरूम में रोहन। तो चलो अभी चलते हैं लंच करने, उसके बाद मिलते हैं। बने रहे व्लॉग के साथ, मजा आएगा बैठो। इसी के साथ हमारा एक शेर घायल हो गया है। शेर जिंदा है लेकिन टाइगर अभी जिंदा है। घायल शेर की एक खासियत रहती है, वो दो कदम पीछे आता है। नहीं बोल दो, नहीं दो कदम के साथ बोल दो। शेर जब घायल होता है तब दो कदम पीछे आता है, थोड़ा रेस्ट करता है, उसके बाद जो चलता है इसके मार बवाल कर देता है बॉल पर मार्केट में पूरा। ए ओ बोला ऐसे बोला, हैप्पी बर्थडे भावा, आज मेरे भाई का बर्थडे है, इसका नाम विनय शेठ माली है, सबको पता ही रहेगा। कब पड़ने वाला तारीख उसकी नहीं गारंटी ले सकता। 20-30 दिन में मेरे को विश करो, चलेगा बिलेटेड लेकिन चलेगा। हैप्पी बर्थडे भावा। बच्चे लोग गोवा में आए और फूल वाले कपड़े ना लाए, ये हो ही नहीं सकता। करे पत्ता गोभी जा रहे हैं अभी लंच करने, शायद से फैट फिश में। अभी ऐसा कुछ तय तो नहीं था के, लेकिन बच्चे बोल रहे हैं फैट फिश में जाना है, तो फैट फिश में चलते थोड़ा लंच विंच करते, पेट पूजा फिर काम दूजा देता हूँ ना। बोल लो देना टाइम पर आप लोग केक तो आना पुराना भाई for new car. Yeah, white. This one is mine. And red. Also red is mine. Bolna. Mala automatic hai. 1 million views hai. Stand sa hai na. Kya chala? Stand sa. Real one wale bhai. अभी हम जा रहे खाना खाने फैट फिश पे, और एस्थेटिक वाटर भाई। भाई का बर्थडे, भाई ने फैट फिश पे सबको पार्टी दी है, अभी 20,000 बिल होगा। ज़्यादा नहीं भाई, ज़्यादा से ज़्यादा 20,000 या 30,000 बिल होगा, वो देना है सिर्फ। फैट फिश अगर आप गोवा में आ रहे हो तो वन ऑफ द बेस्ट सी फूड मिलेगा इधर, काफ़ी मशहूर भी है। तो टेबल है ना, अगर आप लोग गोवा में आ रहे हो मस्त क्या रिव्यू है भाई? अच्छा लगा भाई, थोड़ा एक्सपेंसिव है लेकिन ठीक है, सी फूड मस्त ट्राई की। हैप्पी बर्थडे भावा। तो अभी लंच करके हो गया है, अभी पहले चलते हैं हेमरेज पे,
अपना टेबल बुक कर देते, मतलब एडवांस बुकिंग दे देते हैं क्योंकि रात में बहुत मजा आने वाला है। थलासा पे कब जाने वाले हैं? नहीं, शायद आज थलासा जाएंगे, उसके बाद हेमरेज का कुछ प्लान है। तो पहले चलते हैं, टेबल बुक करते हैं और थलासा भी जाएंगे। उधर भी टेबल का कुछ सीन होता है कि देखते हैं, नहीं तो उधर स्टैक पे जाएंगे। ऐसा कोई नहीं, हर जगह टेबल लेना है जरूरी नहीं, लेकिन हेमरेज में पक्का टेबल लेंगे। तो अभी लंच विच करके हो गया, अभी चलते हैं सीधा हेमरेज। तो अभी टेबल वेबल बुक करके हो गया अपना हेमरेज का और थलासा का भी टेबल बुक हो गया है। तो अभी जा रहे हैं थोड़ा बीच पे घूमते हैं। गोवा है, बीच पे जाना मांगता है तो घर वाले गाली देंगे अलग से, फिर किधर गया था पक्का। तो अभी जा रहे हैं बीच, कौन सा बीच है? यामाई देना। पुलिस लोग बहुत त्रास देते हैं यार, ये देखो पकड़ लिया। तो पुलिस लोग काफी त्रास देते हैं इधर। अभी हमारा चलान कट गया है 300 रुपए एडवांस, ज्यादा नहीं 300 रुपए का। अरे ड्राइवर भी लाया है क्या? रॉन्ग वे में कुछ देखता नहीं, नो इंटरव्यू में डाल देता है। 1999 मराठी सर। आता चालू कुठले रे बीच? मोजिब। अभी जा रहे हैं मोजिब बीच पे, उधर देखते कुछ चिक्स विक्स मिलते हैं देखने के लिए। नाउ वी आर गोइंग ऑन मोजिब बीच, लेट्स सी व्हाट हैपेंड देयर। सम प्ले लाइक इंग्लिश। जुगाड़, इसका भी बर्थडे है, ये भी बहुत कुछ आज पार्टी में देने वाला है हमको। यार पूरा टेबल बुक किया, और भाई ने टेबल बुक किया है, ऐसा फ्लेक्स कर रहा है। हमारा तो कोई निकालता नहीं साला, ये दोस्त बहुत कमी ने इवेंट जो सर। गाली नहीं, नो गाली। ज़्यादा हरामी तो ये लड़का है, ये जय मानूस अली को नहीं, नहीं सनसेट स्ट्रॉबेरी मोहितो, ये वो जी ने तो भाई अभी सब रेडी हो गए, हम जा रहे हैं अभी थलासा। थलासा एक नाइट क्लब ही बोल सकते हो। उधर भी सब डिनर विनर रहता है, मतलब चलो चलो चलते हैं, अभी मिलते हैं आपको, दिखाएंगे मजा, कितना मजा आने वाला है। तो जुड़े रहे व्लॉग के साथ, हमारा डांस देखिए, हमारा डांस देखना है आपको।
and I still get service. Why? Girl, look at that body. Girl, look at that body. Girl, look at that body. Work out. Girl, look at that body. जय श्री राम दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो आज का दिन है तीसरा दिन, तो कल का दिन तो थलासा में निकल गया, काफ़ी मज़ा किया, आपने लोगों ने देखा ही होगा वीडियो में। तो आज हम जाने वाले हैं हैमरेज। धीरज गुल भी क्या बोल रहा है, तू आने वाला तू आने वाला है कि नहीं हैमरेज? क्यों भाई, क्या हुआ? काफ़ी मज़ा आया कल, आप लोग देखा ही होगा। तो आज जाएंगे हम हैमरेज। हैमरेज में भी अपना टेबल बुक है, कल थलासा में था, आज हैमरेज में है। और रही बात टेबल की, तो कल की टेबल की कॉस्टिंग थी समथिंग 30,000 और आज का 60K। तो इस हिसाब से चलना है अपने को गोवा में। अगर आप गोवा में आ रहे हो तो टेबल का ये खर्चा रहता है। हम लोग 10 जन है उस हिसाब से, अगर आप 5 जन रहोगे तो 45K में हो जाता है एवरेज में। और थलासा में तो 30 के ऊपर ही है सब। अपना एक दोस्त शूटर था, उसके हिसाब से वो किया था उसने। तो ठीक है, चल जाए, अभी मिलेंगे शाम में एवरेज में। ला 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 ला। अभी हम जा रहे हैं, कोई तो कैफे है वहाँ पे, लेकिन भाई लोग सब उतरे हुए हैं। अभी मंडल तो बर्बाद हो गया है, पैसा सब खत्म हो गया है। तो अभी फिर भी हिम्मत की है बच्चों ने कि चलो चलते खाना खाने। ऐसा हो ही नहीं सकता, पहचो फैमजे में जेबे भर भर के पैसा लाए, बहुत बहुत पैसा है। कुछ भी बोलो गाइस, रूम एक बार के लिए तारीफ कर देता हूँ, रूम बहुत अच्छे बुक किए हैं ऋषि सर ने। देखो आए है लेकिन एक भी बात स्विमिंग पूल में, अरे फिर दिखाने के लिए लिए स्विमिंग पूल आपने के लिए बना ही नहीं, अपन उतरते नहीं। तो जैसे कि आज हमारा आज सेकेंड लास्ट डे है और सब फ्रेश होके पूरा 3 बजे आज जाने वाले हम पर्पल मार्टिन। लंच के लिए जाएंगे हम पर्पल मार्टिन ही, उसके बाद रात का भी सीन है हैमरेज का। रात में तो बहुत मजा आने वाला है, जुड़े रहे व्लॉग के साथ और यहाँ पे चल रहा है रोहन पाटिल, उनका आज फोटो शूट चल रहा है, शूट चल रहा है। बेचारा पहले दिन बहुत उसका वीक था। विनय भाई तू ये बता, तेरा बर्थडे कैसे गया गोवा में? वन साइड फैमिली, वन साइड और थैंक यू सब लोग की लव यू ब्रो। एक नंबर बर्थडे गया भाई, पहली बार अच्छा बर्थडे गया भाई। फैमिली में पैसे डालते थे बर्थडे में, लेकिन उतना मजा नहीं आया जितना कल के नाइट में आया। सही है ब्रो, फॉलो बैक फॉलो कमेंट की हमको जरूरत है। क्या लूँ मम्मी के लिए, कौन सा अच्छा लगेगा बॉस? ये प्रतीक के लिए, ग्रुप का वहाँ गए हुआ हमारे। अरे ग्रुप के वहाँ गए। काय झालं नाही का दिला तो?
लेकिन हमें साथ दिए रोहन पाटिल ने, क्यों? क्योंकि लाइसेंस उसके पास है। भिवंडी में किधर भिवंडी में किधर लाइसेंस लगता है? निकालेंगे पूरे बॉम्बे में, इसलिए निकाला ही चलवा है हमारा। लेकिन इधर आके समझ गया कि लाइसेंस बहुत जरूरी है, तो भिवंडी में जाएंगे फिर भी वैसे ही घूमेंगे। कौन लाइसेंस निकालेगा? चलवा है हमारा, रोज रोज का गोवान है। लेकिन अपनी अपनी टपरी चलनी पड़ी, अपना स्टारबक्स चलनी पड़ेगा द किंग्स प्ले। तो भाई, जैसे कि प्लान बना था अपना पहले ही कि आज हेमरेज जाना है, तो हमने टेबल वेबल पहले ही बुक कर दिया था। तो हमें टेबल की कॉस्टिंग समथिंग 60 के पड़ी है, और सब स्टैग है उस हिसाब से, थोड़ा ज्यादा भी है, लेकिन ठीक है, मजा आएगा। हम लोग मजा करेंगे, फुल मजा करेंगे। और एक बात, हम लोग ओपन नहीं कर सके कि तलाशा में हमने 30,000 का टेबल बुक किया था, लेकिन ऊपर से हमने 7,500 रुपए एक्स्ट्रा पे किए, ज्यादा ही बच्चों ने फुल किया था। चलो अभी बोल रहे हैं, अभी जा रहे हैं, पहले जाएंगे हेमरेज पे, बहुत मजा करेंगे। कल का तो आपने देखा होगा थलासा का, आज हेमरेज देख लो। और डांस देखने के लिए व्लॉग के साथ जुड़े रहिए। कल दो कंधे पे गए थे। खत्म खत्म कहानी। लाइसेंस मत लेके आना दोस्तों, नहीं तो यहाँ पे आपके बहुत हालत बुरी होने वाले है, क्योंकि आज रोहन पटेल खुद संभल रहा है, दो दिन से हम लोग को संभल चुका है। बहुत जुमने बात घरी जाए ना बरोबर मिलने ना यार गाँव जाऊन टेवले। तो भाइयों, ये हमारा गोवा में लास्ट दिन है, और शायद से अभी हम निकलेंगे, थोड़ी देर बाद हमारी फ्लाइट है। तो गोवा में तो काफी एंजॉय किया है भाई लोग, किया कि नहीं? बहुत बोलना मादर चोर, एनर्जी ने डाली पूरा दिन, और भी मजा है। किसी में एनर्जी ने इतना मजा किया अभी तो। अभी थोड़ी टाइम बाद फ्लाइट है, उसके बाद सीधा घर जाना है। और जो हमें प्लेस मिला था, देख सकते हो कितना अच्छा था, मेरे ख्याल से बेस्ट प्लेस था ये तो गोवा में। हम 3 बार आए थे, उससे मतलब सबसे ज़्यादा ही था। काट के, अंदर से डालो, हाँ। काट के उसका आगे काट।
और ये हमारे ऑनर भाई। हेलो हेलो एवरीवन, कुछ बोलोगे पब्लिक को आने के लिए? भाई जरूर यार, सब लोग आना। और ये जो इन लोग भाई का ग्रुप है, बहुत अच्छा ग्रुप था इनका यार, हमें कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ, अच्छे से ये लोग आना चाहते हैं कि ये लोग वापस आ जाए यार। किसी को आना होगा मेरे को कॉल करिए, मेरे से बात करे, पक्का डिस्काउंट देंगे, पक्का पक्का डिस्काउंट। अरे तुम्ही खाला म्हणजे मी खाला। और फिर एक बार गोवा आना है मेरे को, लेकिन इन लोगों के साथ नहीं आएंगे। ये शक्लें देख के मेरे को अभी कंटाला आ गया। देखो तो शादी के बाद ही मिलेंगे गोवा में। दो साल क्या करेगा भाई तुम? पीस आउट बे। तू बेस्ट इन द गेम और इसमें दो राय नहीं, अपनी बातें मैंने अब तक दोहराई नहीं, घोड़ी बनाया पर मैंने दौड़ाई नहीं, मेरा तो हारने का कभी दौराए नहीं, समझ नहीं आए मेरे लव्स पर आ रूंगी बस शिट जैसे हुआ मुझे कब।